नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा, बिहार में सिवान जिले से। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। मेरे चैनल का नाम है शोभा की रसोई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ तो आप सभी को दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी पालक पालक पराठा। तो पालक पराठा के बनाने के लिए हमने पालक को अच्छे से यहाँ पे बारीक बारीक काट लिए हैं, धो करके अच्छे से। यहाँ पे हमने थोड़ी सी आलू उबाल करके हमने इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लिए हैं। इसको हमने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है, लोहे वाला कढ़ाई। हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं सरसों तेल। तो हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पालक पराठा बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई में डाल दिए सरसों तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी खड़ा जीरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने प्याज को काट लिए बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पे आधी को हमने बारीक बारीक काट लिए। यहाँ पे हमने टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। हरी मिर्च को हमने काट लिए बारीक बारीक। लहसुन यहाँ पे हमने तीन चार कली बारीक बारीक काट लिए हैं। यहाँ पे हरी धनिया पत्ते वाले काट लिए बारीक बारीक। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा चटक चुका है। इसमें हम डाल देते हैं प्याज को। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्याज भून गया है, गोल्डन हो चुका है। इसमें अदरक लहसुन और टमाटर को जो हमने बारीक बारीक काट कर रखे उसको भी डाल करके भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर हमने पालक को जो मिक्सर से है जो हमने तैयार किए हैं आलू पराठा के, आलू पराठा नहीं सॉरी पालक पराठा के लिए। तो देखिए कितना सुंदर हमने भून कर तैयार कर लिए। तो इसे हम भून लिए हैं तो अच्छे से पका लिए हैं। तो इसको प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं। उसके बाद आटे को देखिए दोस्तों, हमने पालक पराठा बनाने के लिए वहाँ पे हमने पालक को मिक्सर जो है तैयारी कर लिया, ठंडा हो रहा है। इधर हमने आटे को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आधे केजी लिए हैं गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ये हमारा बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है। तो इसे हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिए बारी बारी कटा हुआ धनिया पत्ता। यहाँ पे लिए है अजवाइन, मंगरेल, थोड़ी सी नमक लिए है तो इसमें ऐड कर देते हैं।
इसको अच्छे से मिक्स करके बढ़िया से सान करके एक डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। हमने सब बनाए हैं डो, ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा पतला ढीला नहीं है, तो हमें इसी साइज का चाहिए डो हमें पालक पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने गैस पे तवा रख दिए हैं, तवा हमारे गर्म हो रहा है, तब तक हम लोई को काट लेते हैं। दोस्तों ये हमारा आटा जो हमने डो बनाया है, तो 10 मिनट रेस्ट कर में रख दिए थे, उसके बाद हमने लोई को काट लिए हैं। तो हम भरना इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने लोई को चूनी बना लिए हैं, तो इसमें हम जो बैटर बना कर रखे हैं उसको इसमें पैक कर लेते हैं। अच्छे से इसी तरह चारों तरफ से पैक कर लेंगे। देखिए अंदर अंदर बढ़िया से हमने पैक कर लिए हैं बैटर को, तो इसको फिर से हमने आराम आराम से इसको चुनी कर बढ़ा लेंगे। उसके बाद चकले बेलने पर आराम से इसको बेल लेंगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह हमने बेल लेंगे। ये ज्यादा हमें पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। देखो इसी साइज के हम सारे पालक पराठा बना करके रख लेंगे। तवा को हम डाल देते हैं, तवा हमारा ये बन चुका है। इसी तरह हम दोनों बगल से, देखिए एक साइड का हो गया है, हम पलट लिए हैं। इसे हम सरसों तेल लिए हैं, आप चाहे तो घी या बटर या रिफाइंड तेल यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने सरसों तेल से इसे यूज कर रहे हैं। इसी तरह हम सारे पालक पराठे को बना करके रख लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा पालक पराठा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। दोनों साइड हमने अच्छे से पका लिए हैं। देखिए कितना सुंदर पक गया है, देखिए पास से दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये हमारा पालक पराठा बनकर रेडी हो गया। जैसे ही निकाल लेते हैं थाली में, इसी तरह हम दूसरे वाले को तैयारी किए हैं पालक पराठा बेलकर। इसको भी हम तवे पे डाल देते हैं। तो एक साइड का हो गया है, तो दूसरी साइड देते हैं। इस पर हम अच्छे से तेल को ग्रीस कर लेते हैं बढ़िया से। तो देखिए हमने आटे से लगा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर। आप भी चाहे तो आटे से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रीस हो जाता है। या रूई या कॉटन कपड़े से भी लगा सकते हैं, चम्मच से लगा सकते हैं। देखिए हम आटे से लगा रहे हैं, देखिए बढ़िया से कितना सुंदर हमने लगा लेते हैं। चलिए इसी तरह हम सारे पालक पराठे को बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सारी पालक पराठा बना लिए। देखिए कितना सुंदर हमने बनाया है पालक पराठा। तो पास से देखिए कितना सुंदर ये बनाए हैं। तो हमारे वीडियो आप लोग पूरे एंड तक देखते रहिएगा। हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो आप लोग को देखने के लिए। बहुत से बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।